तो हेलो गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारा चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। दोस्तों बात करने वाले हैं प्रकाश स्टीलेज लिमिटेड के बारे में। 10 रुपए में स्टॉक का प्राइस मिल रहा है, क्या स्टॉक को बाय करना चाहिए, क्या इसका फंडामेंटल है, फुल डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे। 22 रुपए करके 2010 में कंपनी लिस्टिंग हुआ और 20 पैसे तक लो लग गया था। अभी ये शेयर 10 रुपए तक आ चुका है, क्या शेयर को खरीदना चाहिए हम लोग देखेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा बाय करेंगे, नहीं तो उसको अवॉइड करेंगे। दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट ईयर वाइज डाटा, रेवेन्यू में ग्रोथ, नेटवर्थ में डाउन, प्रॉफिट में डाउन नजर आ रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा पैसा नहीं, कम पैसा ही यहाँ पर लगाएंगे प्रकाश स्टीलेज में। यहाँ पर देख सकते हो 66% रिटेल इन्वेस्टर, प्रमोटर 33% यहाँ पर स्टेक होल्ड कर रहा है कंपनी का। अगर मैं फुल डिटेल्स आपको दिखाऊंगा, बीएससी और एनएससी दोनों में लिस्टिंग है। 169 करोड़ का मार्केट कैप है, पी ठीक है, बुक वैल्यू नेगेटिव है, डिविडेंड नहीं देता है। हाई लो देख सकते हो, आरओसी नेगेटिव, फेस वैल्यू 1 का है। कर्जा 25 करोड़ का है, रिजर्व नहीं रखा है, एसेट रखा है, वॉल्यूम ठीक ठाक, फ्रीकेश रखा है, अर्निंग पर शेयर पॉजिटिव, नेटवर्क नेगेटिव, डिविडेंड नहीं देता है, डेट टू इक्विटी 0 नजर आ रहा है, जो कि अच्छा बात है। स्टील क्षेत्र में काम करता है और एक कंपनी 8 नंबर पर आता है। आप देखो कंपनी का सेल ग्रोथ पॉजिटिव, प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव, सीजर पॉजिटिव, रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव। एसेट में दोस्तों हम लोग को यहाँ पर डाउन नजर आ रहा है, नेट कैश फ्लो 0 है। ये शेयर में भी आप 500,000 लगाकर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे, अच्छा रिटर्न दे सकता है कंपनी। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।